जमीर, इसम का तो मतलब, इसम के बारे में तो हम जानते हैं, इसम जो है वो तीन तीन चीजों के नाम को बोला जाता है। इसम में तीन चीजें कौन सी हैं? पहली है शख्स, दूसरा है किसी चीज का नाम, तीसरा है किसी जगह का नाम। किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, वो क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। अब है इसमें ज़मीर, यानी जो आज का हमारा जो ये सबक है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर किसे कहते हैं? तारीफ लिखी हुई है, ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए, जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए। अब उसने मिसाल के लिए एक जुमला दिया, क्या जुमला है? अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है। अब इसमें नाम आ रहा है अमजद, ये क्या है, कौन सा नाम है? शख्स का नाम है, चीज का नाम है, जगह का नाम है? शख्स का नाम है। तो अब इस शख्स के नाम की जगह पर दूसरा नाम जो यहाँ पे तारीफ में लिखा हुआ है, ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए। इस दूसरा इसम ये वाला, अब ये इसम इसकी जगह पे लगाएंगे, अब कौन सा इसम लगेगा? अब जुमले को आगे से देखना है, अगला जुमला देखते हैं। वो हर रोज स्कूल जाता है, वो हर रोज, इसकी बात हो रही, अमजद की बात हो रही। अब यहाँ पे फिर दोबारा तारीफ को गौर से सुनना है, आपको तारीफ की समझ आ जाएगी। ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह पे इस्तेमाल होता है। अब इस जुमले के अंदर अमजद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जैसे ही दूसरा जुमला शुरू हुआ उसके अंदर अमजद नहीं आ रहा, उसकी जगह पे वो आ रहा है, उसकी जगह पे वो आ रहा है। ये दूसरा इसम हो गया। ये दूसरा इसम जो है इसे इसमें ज़मीर कहते हैं, ये वाला इसम जो है इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। तारीफ के मुताबिक वो इसम जो किसी दूसरे इसम की जगह पर आए, अमजद की जगह पर क्या आया? वो। तो ये क्या हो गया इसमें, इसको इस लफ्ज को कहेंगे इसमें ज़मीर। हॉकी एक अच्छा खेल है, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। अब यहाँ पे हॉकी जो है ये एक चीज का नाम है, ठीक है, एक चीज हॉकी, हॉकी है ना, एक चीज का नाम। अब इस नाम के बाद दूसरा उसका जो नाम आया वो आया ये, तो ये यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें ज़मीर। पहले हॉकी का नाम था, अब उसकी जगह पे दूसरा इसम आया ये, तो ये इसम जो है इसमें ज़मीर है। अब है इसके बाद फातिमा अच्छी बच्ची है। अब यहाँ पे फातिमा जो है वो नाम आया है शख्स का, ठीक है। अब उसके साथ है वो हर रोज अपने दांत साफ करती है, वो हर रोज अपने दांत साफ करती, वो क्या है इसमें ज़मीर। अब इससे ये साबित हुआ वो ये उस उन्हों, ठीक है, उसका, ये वो अल्फाज हैं जो बतौरे इसमें ज़मीर इस्तेमाल होते हैं। क्लियर हो गया इसमें ज़मीर? चले इसको आप नोट कर लें, इसकी डेफिनेशन को।